सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यदि 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें खरीदता है जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है, मतलब 1450 रुपया में एक जीन्स और 850 रुपया में दो कमीजें खरीदती है, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? मतलब कहता है एक जीन्स का दाम, एक जीन्स की कीमत कितना है 1450 रुपया, और दो पैंट की दाम कितना है 850, जबकि एक पैंट का दाम 850 है, तो दो पैंट का दाम कितना होगा 1700 रुपया। तो यह टोटल दाम हो गया कितना 3150 रुपया, मतलब जीन्स और पैंट को मिलाकर 3150 रुपया देती है। तब उसे कहता है कि 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है। तो बट्टा का मतलब क्या होता है? तो बट्टा प्रतिशत बराबर इकतीस सौ पचास गुणे प्रतिशत, बट्टा मतलब 90/100, 100 कैंसिल, 315 गुणे, क्योंकि यह सेल करती है, बेच रही है, तो बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य में घटता है तो कितना बचा, 9×5 45, 9×9 4 13, 27×1 28, मतलब कितना हुआ 2835 रुपया उसको ये बट्टा मतलब देना पड़ता है। किसको? दुकानदार को, किस्त के रूप में डिस्काउंट जब करता है तो उसे 2835 रुपया में देना पड़ता है। जब उसे 10 रुपया डिस्काउंट करती है तो